ओके का वेरी गुड इवनिंग माइचेल अभिषेक सिंह एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन वेलकम टू दिस सेशन एंड वेलकम बैक टू एग्रीमेंटर्स आज हम लोग फिशरीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है कोई क्लिक बैट नहीं है सही में आप फिशरीज़ का अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो उसके रिगार्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आज ठीक है ओके जस्की मेमिन ठीक है हम लोग आ, कल हमने क्या देखा था आई बी पी एस एफ ओ के बिल्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे आज हम लोग फिशरीज के रिगार्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में उससे रिलेटेड बात हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे फिशरीज में डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछता है आपसे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज कवर हो जाएंगे ठीक है तो देखो फिशरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिशरीज में पहली चीज आपको आ, इसके एक्सक्रीशन है ना फिशरीज में फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चन बनते हैं ठीक है फिशरीज में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फिज के बारे में चार चीजें पता हुई तो फिशरीज कंप्लीट हो गया फिशरीज में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और फिशरीज में कई सारे क्वेश्चन क्या है वेटलैंड से भी बनते हैं ठीक है वेटलैंड भी फिशरीज में ही पार्ट है जो अलग अलग रिवराइन सिस्टम है ठीक है आपका इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स क्या हुआ आपका रिवर पुल इको क्या हुआ आपका वेट बंस क्या है तो ये सारी चीजें भी फिशरीज के अंदर इंक्लूड रहती हैं तो जो जो क्वेश्चन वहां से बनते हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे तो पहला सिंपल सा क्वेश्चन ये क्या पूछा है कि नाइट्रोजिनस वेस्ट अगर हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं अगर हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं तो फिशरीज जो नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिलीज करती है वो क्या होता है ठीक है इसका आंसर करो देखो फिशरीज का क्रोमोजोम नंबर आपको पता होना चाहिए 48 से 50 के अराउंड होता है ना 48 से 52 तक हाइब्रिड फिशेज होती है उनका क्रोमोजोम नंबर थोड़ा ज्यादा होता है सेवेंटी के अराउंड होता है गुड इवनिंग भाई मुझे इसका आंसर करो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है है ना आपको पता होना चाहिए कि फिशरीज में स्पेशली फिशेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता तो मोलस आपका मोलस का तो चलो ठीक है क्रस्टेशन भी ठीक है इसके अलावा खैर आपको इंसेक्ट्स वगैरह का ही पता होना चाहिए ना इंसेक्ट हो गया आपका ठीक है ठीक है फिशरीज में अगर इसके एक्सिल प्रोडक्ट की बात करें देखो इसमें भी क्या है टीरोइस्ट फिश लिखा हुआ है, है ना ये वर्ड देख के कहीं कंफ्यूज नहीं होना है

तो ये सब आपकी किसमें आती है कार्टी फिश में इलाजमो ब्रांच ये एक आपका ग्रुप हो गया ठीक है और अगर हम नॉर्मल फिशेज की बात करें तो दीज आर अमोनोटेलिक ठीक है मतलब इनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है अमोनिया है और अमोनिया को बहुत ज्यादा वाटर चाहिए होता है रिमूव होने के लिए ठीक है तो फिश को ऑब्वियसली वाटर वहां पे अवेलेबल है इजीली रिमूव कर लेती है सार्क वगैरह की बात करें तो सार्क इज यूरियोटेलिक ठीक है सार्क क्या है यूरियोटेलिक है अमोनिया आपकी नॉर्मल ज्यादातर मैक्सिमम फीस के अमोनोटेलिक के अमोनिया रिलीज करती है पर अगर हम बात करें इलाजमो ब्रांच की ठीक है जिसमें आपका सार्क वगैरह आ गया तो वहां पे क्या है यूरियोटेलिक है ओके ठीक है तो पहले देखो एक्सक्रीशन का ही पार्ट है और यहां से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है ठीक है अगर ये बताए तो बताओ यह सहे एक्सक्रीटरी ऑर्गन नॉन एज एंटीनरी या फिर मैगजीलरी ग्लैंड किसमें देखने को मिलता है और उसी में आपको ग्लीन ग्लैंड भी देखने को मिलता है है ना आपसे सिंपल सा एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है तो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं आपका तो आपको ये ग्लैंड किसमें देखने को मिलते हैं दूसरा आपका एक और पूछता है नेफ्रीडिया या फिर आप कह सकते हो तो मेटा नेफ्रीडिया और ये आपको कौन से ग्रुप में देखने को मिलता है ठीक है। फिस में एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं क्या मोस्ट ऑफ द फिशिज क्या है अमोनो टेलिक है ओके गुड इवनिंग पूजा एंड विकास ठीक है इसका आंसर पता है तो बताओ देखो आ, एक ग्रुप है जिसको हम क्या कहते हैं इन, उनको कहते हैं इंसेक्ट ऑफ ओशियंस है ना ओशियन के क्या बोलते हैं इंसेक्ट बोलते हैं और इन जो ये ग्लैंड है ना इनका नाम उसी तरीके से पड़ा है क्योंकि जो एंटीना में है ना जो उनका डक्ट जा रहा है जहां से एक्सक्रीटा उनका रिमूव होगा वो या तो एंटीना के आसपास कहीं खुल रहा है या फिर जो मैगजीलरी है मैग्जिला उसके आसपास कहीं खुल रहा है ठीक है या फिर वो वहां पे खुल रहा है जहां पे जो पास में उसके ग्लैंड है वो ग्रीन कलर के हैं अच्छा यहाँ पे ग्रीन कलर्स के हैं तो उनको ग्रीन ग्लैंड भी बोल देते हैं उस टाइम पे ठीक है तो ये आपका इंपॉर्टेंट है किसका ए का ए का नहीं है ये आपका किसका है बी का ठीक है क्रस्टेशन का इसका आंसर क्या है क्रस्टेशन इंसेक्ट ऑफ ओशंस ठीक है तो इसका आंसर जाएगा क्रस्टेशन तो याद एंटी रखनेरी एंटीनर मैग्जिला ये सब आपको इंसेक्ट में तो देखने को मिलते हैं तो क्रस्टेशन क्या हो गए आपके ये भी आपके हो गए इंसेक्ट हो गए किसके ओशियन के इंसेक्ट एक तरीके से ठीक है ठीक है आपका diseases के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है आई बी पी में डिसीजेस के रिगार्डिंग फिशरीज का क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है तो हम लोग फिशरीज के क्वेश्चन uh, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके प्रीवियस ईयर के वहां पे डिसीज का क्वेश्चन भी था आपका और ये सारी क्या है इंपॉर्टेंट डिसीजेज हैं फिशरीज की है ना ये सारी फिशरीज की इंपॉर्टेंट डिसीज है और स्पेशली अगर हम फिशरीज में बात करते हैं ना तो जब हम नॉर्मली पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं फिशरीज में इंडियन मेजर कार्स ठीक है इसी के बारे में हम सब कुछ पढ़ते हैं कि आपको इसकी नर्सरी कैसे लेनी है आपको इसको रियर कैसे करना है हर चीज जो भी हम पढ़ते हैं इंडियन मेजर कास्ट के रिगार्डिंग पढ़ते हैं क्योंकि फिशेज बहुत सारी हैं बट जो इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो हो रही है आपकी वो कौन सी है इंडियन मेजर कास्ट ठीक है ठीक है इसका आंसर बताओ फिर मुझे इसका क्या होगा आपकी ये एक्टोपेरासाइड कौन सा इनमें से ड्रॉपसी डिसीज आपकी सेप्रोलेग्निएसिस हैं डेक्टीलोगारस ओके सुधीर एंड एग्रीकल्चर एंड वो ठीक है चलो मुझे इसका आंसर करो ठीक है एक्टोपेरासाइट क्या हुआ जैसे आपकी फिश है इस फिन की फिश फिश में क्या होता है 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 जो इसमें है, इसको जनरली लाइस भी बोला जाता ठीक इंपॉर्टेंट है सारी जो आपकी जनरली इंडियन मेजर कार्ड में भी देखने को मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है एक्टोपेरासाइट लाइस बोला जाता है ना एक्टोपेरासाइट क्या हुआ ये जो फिंस है ना इसके यहाँ बाहर की तरफ रहता है ठीक है पैरासाइट ये फिंस में इस तरीके से लगा होता है ठीक है तो इसका क्या होगा फर्स्ट वाले ऑप्शन का दूसरा है ड्रॉपसी डिसीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है ड्रॉपसी में क्या होता है फिस की किडनी खराब हो जाती है ठीक है ड्रॉपसी डिसीज में फिस की किडनी खराब होने लगती है और फिस के अंदर फ्लूइड एक्यूमलेट होने लगते हैं ठीक है ठीके? जो आपकी फिस है उसकी किडनी खराब हो गई तो अब ठीक से क्या होगा उसके अंदर जो भी फ्लूड है वो फिल्टर नहीं होगा तो उसी के अंदर इकट्ठा होने लगेगा और फिस में ब्लॉटिंग होने लगेगी ठीक है फिस फेल करने लग जाती है तो वो डिसीज़ कौन सी है आपकी ड्रॉपसी है ड्रॉपसी होता क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक उसके अलावा एक है सैप्रो लेग्नि और एक है आपकी क्या डेक्टाइलो गायरस ठीक है डेक्टाइलो गायरस इसमें से एक डिसीज है जो आपकी बैक्टीरिया और फंगस से नहीं है वो आपकी किसमें से है वो है आपकी फ्लूक जो लिखा है ना गिल फ्लूक या आपकी एक्चुअल है प्लेटी हलमिंथस होते हैं है ना प्लेटियलमिंथस अगर बायोलॉजी याद आ रही हो प्लेटी हलमिंथस टेप वाम वगैरह पढ़ते हैं कि आप वो क्या होते हैं वो अंदर से अंदर की तरफ से फीड करते हैं एंडोपेरासाइट होते हैं ना फिर इसके अंदर की तरफ से ये उस पर फीड करेगा फ्लैट वाम्स होते हैं ठीक है ठीक है आंसर पता है क्या किसी का किसी का इसका एक्टोपेरासाइट आपका कौन सा इसमें आर्जुलस स्पीसीज ठीक इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टोपेरासाइट ड्रॉपसी डिसीज आपका करता है कौन बैक्टीरिया करता है ठीक है ड्रॉपसी डिसीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया करता है किडनी खराब करता है और जिसकी वजह से फिर में स्वेलिंग होने लगती है ग्निस्ट आपका है फंगल करता है ठीक है ये कौन करता है आपका ये फंगस करता है और इसके अलावा अगर हम बात करें डेक्टाइलो तो ये आपका क्या है गिल फ्लू के ठीक है उसके गिल्स में म्यूकस वगैरह जमा होने लग जाता है ठीक है ये आपका क्या है प्लेटियल मिन्तस में आता है इसमें क्या होता है म्यूकस वगैरह गिल्स में डिपॉजिट होने लग जाता है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो गया फिर फर्स्ट का डी दो ऑप्शन में आ गया फर्स्ट का डी सेकेंड का बी सेकंड का ड्रॉप सी है ना बैक्टीरिया सेकंड का सी ठीक है दो में आ गया थ्री का होगा आपका बी तो थ्री का बी ठीक है तो बी ऑप्शन इसका क्या हो गया राइट right आंसर हो गया ठीक है इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट डिसीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भी फीचर्स की डिसीज है वो भी आपको ध्यान में रखनी है ठीक है ठीक है बताओ भाई ये आपका आई थिंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो क्वेश्चन पूछा था यही पूछा था ठीक है खैर उन्होंने डेफिनेशन नहीं पूछी थी उन्होंने सेप पूछा हुआ था उन्होंने पूछा था कि आपका जो ये बना इसका सेप क्या होगा है ना क्या कह रहा है इसमें देखो इसमें क्या कह रहा है से पूछा हुआ था बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जाम में इसमें क्या पूछ रहा है देखो अगर आप फिसरीज पढ़ के जाओगे ना तो ये सब कुछ टफ क्वेश्चन है ये सब आसान क्वेश्चन है बड़ा अगर हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं फिर पता नहीं चलता ना कि कहाँ से आ रहा है मान लो ये आपकी कोई रिवर फ्लो हो रही है है ना ये आपकी क्या है नॉर्मल कोई रिवर फ्लो हो रही है तो क्या होता है कुछ टाइम बाद मान लो कि इसको एक नया रास्ता मिल गया उसको यहाँ से धीरे धीरे पाथ मिल गया तो वह इस तरफ से फ्लो होने लगी और धीरे धीरे क्या हुआ यहाँ से रिवर का क्या हुआ ये वाला पार्ट रहेगा आप पर क्या है यहां पे भी पहले तो पानी फ्लो हो रहा था अभी भी यहां पे क्या है वाटर फिल है और कभी कभी रिवर में फ्लडिंग हो रही है तो वापस से वाटर क्या है यहाँ पे फिल हो जाएगा ठीक है तो यही वाला जो पार्ट हुआ इसको क्या बोलते हैं यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं है ना क्या लिखा है कट ऑफ रिवर ये जो रिवर है कट ऑफ हो गई है मेंडर्स है ना कट ऑफ रिवर मेंडर्स मेंडर्स मतलब जिसका थोड़ा सा कर्वी पाथ हो थोड़ा सा कर्वी पाथ हो उसका मतलब क्या हो गया मेंडर्स हो गया और आगे लिखा है जनरली फॉर्म एज रिवर कट्स थ्रू अ मेंडर नेक टू शॉर्टन इट्स कोर्स है ना इसका ये लंबा जो रास्ता था इसने शॉर्ट कर लिया है ब्लॉकिंग ऑफ द ओल्ड चैनल जो पहले जो रिवर जा रही थी वो वाला रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक हो गया ठीक है और उसके बाद क्या हो गया ये धीरे धीरे से थोड़ा सा दूर हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं आंसर करो आंसर करो ये सिंपल क्वेश्चन है ऐसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो इसका शेप भी आपको ध्यान रखना है शेप क्या है इसका शेप हो गया इसका आप कह सकते हो क्रिसेंट शेप है ना हाफ मून जैसा दिख रहा है ये क्रिसेंट शेप हो गया आपका सरपेंटाइन हो गया ये आपका तो ये है ठीक है इनको हम बोलते हैं क्या ऑक्सबो लेग्स ठीक है ऑक्सबो लेग्स इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट स्लाइड में देखो ये ऑक्सबो लेग्स बना हुआ है ठीक है वही चीज लिखे शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है कि क्रिशेंट सेप्ड होता है हॉर्स शेप्ड होता है या फिर शर्पेंट आइन होता है जो हमको यहाँ जनरली देखने को मिल रहा है कि आपकी जो रिवर है क्या हुई पहले इधर से फ्लो हो रही थी बाद में उसको एक शोर पाथ मिल गया तो वो उधर से फ्लो होने लगी और ये आपका क्या बन गया इधर ऑक्सबो लेक्स बन गया ठीक है और इसका आपको इजीली अगर आपको पता है तो शेप में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसका शेप किस तरीके से होता है ओके ओके okay, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ठीक नेशनल फिश ऑफ इंडिया जल्दी से बताओ एक मुझे नेशनल फिश बता दो और दूसरा मुझे नेशनल एक्वाटिक एनिमल बता दो दोनों में डिफरेंस है ठीक है ना दोनों में डिफरेंस है नेशनल फिश को नेशनल एक्वाटिक एनिमल के साथ कंफ्यूज नहीं करना है तो नेशनल फिश ऑफ इंडिया इनमें से कौन सी है क्या नेशनल फिश

कटला और मिगल आपकी क्या है? इंडियन मेजर कार्प हैं उसके अलावा इंडियन मैकरल है ये भी आपकी क्या होती है जनरली मेराइन होती है और फिर आपकी एक बॉम्बे डक है बॉम्बे डक ऐसी फिश है जो आपको ऐसा नहीं कि हर जगह देखने को मिलेगी बहुत ही महाराष्ट्र वगैरह में ज्यादा देखने को मिलती है ना कुछ ही रीजन में ठीक है, है इसका आंसर ठीक है पूजा ने बताया है इसका आंसर याद रखना इंडियन नेशनल फिश इज इंडियन मैक्रेल ठीक है गुड इंडियन मैक्रेल क्या है इंडिया की नेशनल फिश है और अगर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें तो क्या है गंगा डॉल्फिन्स, ठीक है याद रखना एनिमल इज गंगा डॉल्फिन, क्योंकि गंगा डॉल्फिन क्या है डॉल्फिन इज अ मैमल है ना डॉल्फिन को हम जनरली फिश में कंसिडर नहीं करते हैं डॉल्फिन हो गई वेल्स हो गई ये सब मेमल्स हैं, इनको जनरली हम लोग फिश में कंसिडर नहीं करते हैं ओके तो इंडियन की नेशनल फिश क्या है इंडियन मैक्रेल ठीक है ये देखो इंपॉर्टेंट है आपका है ना सिंपल से एग्जांपल आपसे पूछ सकता है कि फ्रेश वाटर और मेराइन के आपके एग्जांपल्स क्या है ठीक है फ्रेश वाटर फिश आपकी कौन सी है आपकी मेराइन वाटर के एग्जांपल्स क्या है एक एग्जांपल तो हमने दो एग्जांपल तो हमने पिछले स्लाइड में देख लिए हैं मेराइन के आपके कौन कौन सी हो गई टूना एंड मैक्रेल टूना एंड मैक्रेल ये जो फिश दिख रही है ये कौन सी है ये टूना फिश ही है ठीक है टूना ही फिश है

तो इसका आंसर फोर्थ और फिफ्थ में से कोई एक है है ना टू ना तो हमने ऑलरेडी कह दिया आपकी क्या है मेराइन फिश है देखो मैं आपको एक और चीज बताऊं जल्दी से ठीक है गंगा को लेके चलते हैं है ना गंगा रिवर को लेके चलते हैं देखो फिशरीज में वैसे रिवर भी इंपॉर्टेंट पार्ट है पर हमें तो ऐसे डीप में आप पता नहीं इतना करना बट या गंगा की अगर हम बात करें तो हिमालय से ओरिजिन हो रही है, है ना आपकी उधर बद्रीनाथ की तरफ से धोली गंगा आ रही है और आपकी इधर गंगोत्री साइड से आ रही है आपकी ठीक है भागीरथी आ रही है तो यहाँ से जो आ रही है दो चार रिवर मिलके बन गई क्या अलकनंदा बन गई इधर से भागीरथी आई देव प्रयाग में प्रयाग में मिक्स होके क्या बन गई है गंगा बन गई तो याद रखना जो हिमालयन रीजन की तरफ आपको फिशेज देखने को मिलेंगी है ना उसमें आपकी क्या आ गई स्नो ट्राउट एंड महसीर दोनों इंपॉर्टेंट फिशेज है स्नो ट्राउट एंड महसीर दोनों आपकी रिवर में जो भी फिश है वो क्या हो गई फ्रेश वाटर फिश हो गई और स्पेशली कहां देखने को मिल रही है आपको गंगा में ऊपर की तरफ हिमालयन रीजन्स में और स्पेशली स्नो ट्राउट की बात करें ना तो ये गंगा की एंडेमिक फिश है आपको ये आपको स्पेशली गंगा में देखने को मिलेगी स्पेशली कहाँ हिमालयन रीजन्स में दोनों की दोनों स्नो ट्राउट भी और महसीर भी महसीर आपकी इसको कहते हैं शार्प भी कहा जाता है इसको वाटर शार्क क्योंकि काफी ये क्या होती है साइज में बहुत बड़ी भी होती है अभी थोड़ा सा खैर इंडेंजर्ड हो गई है तो ये आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी फिर गंगा फ्लो होते हुए आपकी यूपी की तरफ आएगी अलाहाबाद वगैरह वहां पर इंडियन मेजर कार्प ठीक है इंडियन मेजर कार्प हो गई कैटफिश हो गई ये ज्यादा देखने को मिलेगी फिर गंगा आपकी इलाहाबाद होते हुए बिहार की तरफ चली गई ठीक है बिहार में फिर पटना भागलपुर ये सब आएगा वहां से बंगाल जाएगी और बंगाल से ओशियन में जाएगी ठीक है तो ये जब बंगाल की तरफ पहुंचेगी तो बंगाल में क्या होगा अब आपकी रिवर फाइनली कहाँ जा रही है ओशन के अंदर जा रही है तो ओशन है इधर और इधर क्या है रिवर है तो ये जो बीच का वाटर है ये क्या है ब्रैकिश वाटर है जिसको हम बोलते हैं एस्टूराइन जहां पे रिवर और ओशन का वाटर मिक्सअप हो रहा है उस एरिया को बोलते हैं कि एस्टूराइन बहुत इंपॉर्टेंट हमें पूछते हैं और यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट फिश है उसका नाम क्या है हिलसा

ठीक है देखो कुछ आपके फ्रेश वाटर फिश और इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं ठीक है सारे एग्जांपल्स आपको क्या करने हैं याद रखने ओके ये फ्रेश के भी और के भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है आपके जैसे से है ना जो हम लोग डिस्कवरी नेट जियोग्राफी वगैरह में देखते हैं बहुत सारी फीचर ग्रुप में जा रही हैं और भी बहुत सारी फिशिज ऐसा करती हैं पर जनरली सार्डीस हो गया आपका फिर ये जो बड़ी वाली फिश ये टूना है ये है आपकी क्या मैक्रेल और इंडिया की नेशनल फिश हमने कौन सी बोली है इंडियन मैक्रेल ठीक है और ये एनचोविज ये सारी क्या है मेराइन फिशेज है जो हम ये इमेजेस देख रहे हैं सार्डि हो गई टूना हो गई मैक्रेल हो गई एनचोविज हो गई ये सारी की सारी क्या है मेराइन फिशेज है ठीक आई है आईवीपीएसएफओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है उन्होंने खेर आ, अलग तरीके से पूछा था ये क्वेश्चन बट ये क्वेश्चन आपका आईबीपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है कि आप फ्रेश महुआ ऑयल केक किस चीज के लिए यूज करते हो उन्होंने खैर जो ऑप्शन है उन्होंने उसको क्वेश्चन में रखा था और आंसर उसका महुआ ऑयल केक था बस यहाँ पे उसी चीज का रिवर्स है कि जो महुआ ऑयल केक है इसको आप किस चीज के लिए यूज करते हो आप इसको क्या वाटर क्वालिटी फिश में फिश पॉइंट में वाटर, वाटर क्वालिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हो क्या फिस की डिसीजेस के लिए यूज करते हो डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए या फिर जो प्री डेट्री फिशेज हैं वीट फिशेज हैं है ना वीट फिशेज मतलब जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी हमारे पाउंड में प्रेजेंट है जो हमारे इकोनॉमिकल नहीं है फिर भी प्रेजेंट है तो भाई वो तो वीट फिशेज ही हुई क्योंकि जो भी हम न्यूट्रंट सप्लाई करेंगे तो वो कॉम्पीट करेगी हमारी जो भी हम फिश कल्चर कर रहे हैं उसके साथ उसके अलावा कह रहा है कि फिश फीड के लिए क्या हम यूज करते हैं कि आपका ये जो महुआ है ये क्या है आपका प्लांट है तो क्या हम इसको फीडिंग के लिए यूज करते हैं ठीक है तो आपको ये याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे प्लांट बेस्ड आपके यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो किस चीज का वर्क करते हैं पॉइजन या फिर टॉक्सिकेंट का वर्क करते हैं और मोबाइल के एक बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है इसमें एक चीज तो एक और चीज है इसका जो टॉक्सिकेंट है वो क्या होता है आपका सेपोनिन इसमें प्रेजेंट होता है सेपोनिन प्रेजेंट होता है जो क्या होता है एज अ टॉक्सिकेंट पॉइजन की तरह आ, काम करता है और फिश को क्या करेगा फिश को किल करेगा तो जब भी आप अपना पौंड प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उसमें महुआ वाइल के यूज़ करोगे कि जो पहले से ही फिशेज हैं जो आपके डिजायरेबल नहीं है उनको किल कर दोगे उसके कुछ टाइम बाद रुक के आप अपनी फिश को इंट्रोड्यूस करोगे ना क्योंकि आपने जब फिशेज हैं आपकी खुद की फिश भी है आप कार पर ग्रो कर रहे हो और पौंड में कार पर तब आप महुआ वाइल के यूज़ उस टाइम पर नहीं करोगे वरना आपकी फिश को भी किल कर देगा

पाउडर यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आपका 5% परसेंट रोटी प्रजेंट होता है जो वर्क करता है एज अ पॉइजन या फिर टॉक्सिक एंड के रूप में ठीक तो है तो यह इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है यहां पे दोनों किस काम के आ गए आपके रेडिकेशन ऑफ एंड वीड फिशेज ठीक है तो इसके काम के आ गए दोनों क्या है आपके प्लांट ओरिजिन के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ठीक है भाई फिसरी नहीं पढ़ रहे हो लो, तुम लोग मुझे ऐसा लग रहा है रहे हो इतना ऐसा भी नहीं है कि छोड़ के चले जाओगे पिछले साल चार क्वेश्चन उसके पिछले साल पांच क्वेश्चन इस बार क्या पता वो छह पूछ ले कि, क्या पता दो ही पूछ ले तो कुछ भी हो सकता है बट इसका मतलब तो ये वो ना आपको अच्छे से पढ़ के जाना है इसको भी है ना बताओ भाई ये भी आ, आई बी में पूछा था पर खैर एग्जैक्टली ये नहीं पूछा था है ना आर पूछा हुआ था पूछा था कि जी एन आर एच कहा से रिलीज होता है ठीक है और यहाँ पे क्या पूछा है कि गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है ठीक है तो ये तो इसी साल आईबीपीएसएफ का क्वेश्चन है कि जीएनआरएच कहाँ से रिलीज होता है याद है हमने जो पिछला फिशरीज का सेशन लिया था जिसमें पांच साल के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं ठीक है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या लगता लग है हाइपो फाइजेसन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि क्या है हम लोग सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सी फिश ग्रो कर रहे हैं इंडियन मेजर काप्स और इंडियन मेजर काप्स में आपको ब्रीडिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि क्या है आपकी जो मेजर काप्स है गेमिट्स को जो रिलीज करती है ना वो बहुत थोड़े टाइम के लिए वाइबल होते हैं कुछ ही सेकंड्स में वो गेमिट्स क्या होते हैं अपनी वाइबिलिटी खो देते हैं ठीक है थीके? उसके बाद वो काम नहीं करेंगे उतनी देर में फर्टिलाइजेशन हो गया तो हो गया वरना फिर वो फर्टिलाइज नहीं करेगा तो इसलिए क्या है हाइपोफाइजेशन इसमें क्या है फिस को इंजेक्शन लगाए जाते हैं फिर इसको इंजेक्शन लगाए जाते हैं और इंजेक्शन लगाने के कुछ घंटे बाद ये क्या करते हैं गेम को रिलीज कर देते हैं तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग ब्रीडिंग करा सकते हैं ठीक है इसी चीज को हमने बोला क्या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इंड्यूस्ड ब्रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी यहीं से आया है पिछले साल का आईवीपी का डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से पिछले साल में इसी साल तो हो गया है ना ठीक है तो इंड्यूसड ब्रीडिंग हाइपोफाइजेशन में क्या हुआ आपका देखो हाइपोथेलेमस है ठीक है सबसे ऊपर लिखा है क्या हाइपोथेलेमस इसमें यहां पे मान लो कि आप हाइपोथेलेमस प्रेजेंट है और उसके बाद क्या है ग्लैंड है ठीक है ये हाइपोथेलेमस है और उसके बाद क्या है पिट्यूट्री ग्लैंड है पिट्यूट्रिक ग्लैंड के पास दो हार्मोन प्रेजेंट है फॉलिकल स्ट्यूमिलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ब्रीडिंग के लिए जब आपकी फ्रिश राइट कंडीशन में होगी तो ये हार्मोन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं ठीक है और उसी टाइम पे क्या होता है हाइपोथेलेमस आपका क्या करता है जी एन आर एच गोनेडोट्रोफी रिलीजिंग हार्मोन को क्या करेगा रिलीज करेगा हाइपोथेलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देगा कि भाई तुम एफ एस एच और एल एस एच को क्या करो रिलीज करो और एफ एस एच और एल एस एच यहां से रिलीज होंगे और क्या करेंगे फिर इसको गेमिट रिलीज कराएंगे ठीक है तो यहां पे इस तरीके से यूज होता है और यही आपका क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किया यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसी के इंजेक्शन बना दिए और जब हमें रिक्वायरमेंट है इसको इंजेक्शन दिया और उसकी हमने क्या किया इंड्यूस्ड ब्रीडिंग करा दी ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट है और ये चीज याद रखना जीएनआरएच क्या हुआ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन गोनाइडोट्रॉफिन को रिलीज कराने वाला हार्मोन पर गोनाइडोट्रॉफिन आप है किसके पास प्रोड्यूस कौन कर रहा है ग्लैंड ठीक है तो गोनाइडोट्रॉफिन आपका क्या हो गया आपका फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैमेट को रिलीज कराने के लिए या फिर इसको पूछा जाए स्पोनिंग के लिए तो आपका कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है आपका गोनाइडोट्रॉफिन हार्मोन ठीक है

है ना रमसर साइड्स इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं क्योंकि आपका क्या है वेटलैंड्स का पार्ट है और वेटलैंड्स जैसे हमने अभी क्वेश्चन देखा क्या ऑक्सबोल एक् का जैसे आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूछा हुआ था ऑक्सबोलेक्स ठीक है इसका क्वेश्चन देखा हमने ऑक्सबोलेक्स का ये भी तो आपके वेटलैंड्स के अंदर ही आता है आपका स्वैंप हो गया आपका मार्सेस हो गया सब चीजें आपकी किसके अंदर आ रही है आपकी वेटलैंड्स के अंदर आ रही है तो ये रमसर साइड्स आपका क्या है रमसर साइड आपकी एक्चुअल में वेटलैंड्स ही है ठीक है ए आई वी आपके जनरली वेटलैंड से कंसीडर होते हैं जो आपके क्या है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है ठीक है इन वेटलैंड का क्या है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट आपके ये वेटलैंड आपके रमसार साइड्स में आ जाते हैं ठीक है थीके? क्योंकि बहुत पहले ईरान में आपका क्या होता है कन्वेंशन हुआ था ईरान में एक जगह है क्या रमसार वहीं पे कन्वेंशन हुआ था और वहीं पे डिसाइड किया गया कि ठीक है वेटलैंड्स की वहां पे डेफिनेशन वगैरह कि ये ये ऐसा ऐसा होगा तो हम बोल देंगे वेटलैंड्स है ठीक है तो उन्होंने जो क्राइटेरिया डिजाइन किया हुआ है उन्होंने जो कि मतलब ये, में ये सारी चीजें हो रही है तो वो वेटलैंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का है ठीक है अविनाश ने बोला है डी इसका आंसर और डी इसका आंसर क्या है बिल्कुल सही है ठीक है रमसार साइट इंपॉर्टेंट है डी ही इसका आंसर है एक्चुअल में जो अभी 75 इंडिपेंडेंस डे हुआ उससे पहले क्या थी था रमस थोड़ी सी कम थी 11 रमसान साइड ऐड करी गई और 75 इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे इसको टोटल जो आपकी रमसान साइड इंडिया में है वो कितनी हो गई है 75 हो गए तो ये भी यहां पे याद रखना है ठीक है रमसार साइट एक दो चीजें और यहां पे छोटी तो सी वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका मनाया जाता है कब दो फरवरी को ठीक है हर साल दो फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है क्यों क्योंकि वर्ल्ड आपका दो फरवरी नाइनटीन में ही क्या हुआ था कन्वेंशन साइन हुआ था ठीक है रमसार कन्वेंशन जो रमसार ईरान में हुआ था वो साइन कब हुआ था दो फरवरी 1971 को इसलिए वर्ल्ड वेटलैंड डे भी उसी दिन मनाया जाता है ठीक है इसका आंसर आपका 75 ही होगा थीम 2023 की चलो तेईस निकल गया वेटलैंड का रिस्टोरेशन था बट 2024 की बात करें तो वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इसकी थीम है जो आपका दो फरवरी को आएगा अगले साल उसकी ये थीम है और सुंदरबन आपको अगर पता है सुंदरबन है ना वेस्ट बंगाल में जो आपका है वगैरह है उधर ठीक है वेस्ट बंगाल में है ना लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे सुंदरबन इंडिया की क्या है लार्जेस्ट रमसार साइट है ठीक है तो ये एक दो चीजें दिमाग में रखनी है ऐसा नहीं कि हमें बहुत डीप जाना है बट ऐसा भी नहीं कि हमें चीजें छोड़ देनी है ठीक है भाई फिश माइग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है देखो आज के सारे क्वेश्चन मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट ही है ना कुछ ऐसा भी नहीं डाला कि बहुत टफ डाल दिया बहुत इजी डाल दिया जो क्वेश्चन सिर्फ इंपॉर्टेंट लगे है ना वही डाले हुए क्वेश्चन हैं तो यहाँ से आपके काफी सारे फिशिज के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे भले एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछे ना पूछे बट आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर है तो मिलते जुलते क्वेश्चन ऑब्वियसली इन टॉपिक से आ सकते हैं देखो फिश माइग्रेशन की बात हो रही है क्योंकि फिश क्या होती है कई बार क्या होती है फिश आपकी रहती है रिवर में ठीक है पर वो थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स माइग्रेट करके जाती है कहा ओशियन में क्यों जाती है ओशियन में जाती है क्यों जाती है ब्रीडिंग के लिए रहती रिवर में है पर माइग्रेट करके जाती है ओशियन में किसके लिए ब्रीडिंग के लिए और कुछ फीचर्स क्या होती है आपकी ओशियन में रहती है और माइग्रेट करके जाती है रिवर में ब्रीडिंग के लिए ठीक है तो ये चीज है यहाँ पे ठीक है तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं आज थोड़ा ये वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं मान लो ये आपका ओशियन है और इधर आपका नहीं इधर आप हम रिवर लेंगे इधर हम क्या लेंगे रिवर ये आपकी रिवर है और इधर आपका क्या है ओशियन है इधर है ओशियन रिवर यानी कि फ्रेश वाटर ओशियन यानी कि मेराइन सेलाइन या फिर मेराइन वाटर मेराइन कंडीशन ठीक है सबसे पहली चीज कुछ फिशेज हैं जो रिवर में ही माइग्रेट करेगी है ना जो आपकी रिवर है आपकी मान लो कि बहुत रिवर है हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स माइग्रेट कर जाएगी यहां पे फिश थी पूरा माइग्रेट करके बहुत दूर जाएगी रिवर में ही ब्रीडिंग के लिए ठीक है तो पहली कंडीशन ये है कि सेम बॉडीज में माइग्रेट करेगी रिवर में है तो रिवर में ही माइग्रेट कर रही है ओशन में है तो ओशन में ही माइग्रेट कर रही है किस लिए ब्रीडिंग के लिए तो अगर वो रिवर में ही माइग्रेट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं क्या पोटेमो ड्रोमस पोटेमो ड्रोमस अगर वो रिवर में ही माइग्रेट कर रही है ब्रीडिंग के लिए अगर वो सिर्फ ओशियन में ही माइग्रेट कर रही है ओशियन से ही एक से दूसरी जगह जा रही है ब्रीडिंग के लिए उसको हम बोलते क्या ठीक है न, है है ना पोटेमो ओ यहां पे भी ओ ओशियनो ड्रोमस ठीक है याद रखना यहाँ पे जो ओ आ रहा है ना वो सेम बॉडी में माइग्रेट करता है फिर इसके बाद आपका क्या आएगा ठीक है तो ये दो आपको टर्म क्लियर होने चाहिए पोटेमो ड्रोमस क्या हुआ आपका और दूसरा टर्म हमने क्या बोला आपका आ, दूसरा बोला पोटेमोड्रोमस और ओशियनोड्रोमस ये दोनों ट्रम हो गए उसके अलावा क्या है आपका डाई एड्रोमस डाई एड्रोमस वहां पर हम लोग यूज कर रहे थे क्या ओड्रोमस अब हम यूज करेंगे क्या एड्रोमस ठीक है जहां पे आपका एड्रोमस आ गया ना वहां पे आपका क्या हो रहा है रिवर से ओशियन या फिर ओशियन से रिवर में जाएगी अगर फिश रिवर से ओशियन में जा रही है रहती कहां है फ्रेश वाटर रिवर में पर जा रही है ओशियन में जा रही है ब्रीडिंग के लिए तो उसको बोलते हैं हम लोग ज गिव दो एक्जाम्पल्स यार इसके एग्जाम्पल्स तो वैसे आपसे इतना जनरली पूछते नहीं है एग्जाम्पल इसके एक बार देखने पड़ेंगे ठीक है कॉन्सेप्ट आपको जनरली यहाँ से टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन आता है रिवर से ओशन में जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या एनआर आपका क्या पूछा है फिश डेट लिव इन फ्रेश वाटर एंड ब्रीड इन ओशन ठीक है आपका क्या हो रहा है रिवर से ओशन में जा रहा है तो उसको बोलते हैं एनाड्रोमस ठीक है एनाड्रोमस और अगर आपका ओशन से रिवर में आ रहा है रहता ओशन में ब्रीडिंग करने के लिए रिवर में आ रहा है तो उसको बोलते हैं क्या कैटा ड्रोमस ठीक है कैटाड्रोमस और इसके अलावा एक वर्ड बच गया लास्ट में क्या एम्फ्यूड्रोमस एम्फ्यूड्रोमस ये आपके एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस दोनों, दोनों के दोनों डायएड्रोमस के अंदर आते हैं ठीक है और अगर हम एम्फिड्रोमस की बात करें तो मैं एग्जांपल खुद ही यहां पे इंक्लूड कर देता बट ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम्पल ठीक है पर आप कह रहे तो एक बार आप भी देख लेना एग्जाम्पल इसका कैटाड्रोमस एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस आपके दोनों डाइड्रोमस में आते हैं हम एम्फीड्रोमस की बात करें तो एम्फीड्रोमस आपकी वो फिशेज हैं जो ये भी माइग्रेट आपका क्या करती है रिवर से ओशियन या फिर ऑशन से रिवर में माइग्रेट कर जाती है बट यहाँ पे उसका पर्पज पर पर ब्रीडिंग का नहीं है यहाँ पे वो फीडिंग के लिए माइग्रेट करती है ठीक है यहाँ पे आपकी डाइड्रोमस में जो एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस है इसमें ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट कर रही है बट एम्फीड्रोमस में क्या है ये माइग्रेट किसके लिए कर रही है ये आपकी फीडिंग के लिए माइग्रेट कर रही है ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट था अच्छा ठीक है चलो इनके बारे में लिखा हुआ भी है ठीक है सेम चीज जो हमने बात करी है यहां पे उसी चीज को लिखा हुआ है ओके ठीक है ये हो गया आपका बताओ इनमें से फिश फिजियोलॉजी से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है फिश की फिजियोलॉजी से सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी है वो पेयर्ड फिंस है ना फिश की पेयर्ड फिंस है देखो इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो ये थोड़ी ना आपने गलत कर देना है ठीक है तो जल्दी से बताओ क्योंकि फिश इसमें क्या होती है पैक्टोरल फिन इसकी पैल्विक फिन होती है पैक्टोरल फिन्स होती है यहाँ पे इसकी फिन आ जाती है है ना फिन फिर इसमें क्या होती है कॉडल फिन बोल देते हैं इसको सी ए यू डी एल फिन ठीक है तो ये सारी फिसेस होती है यहाँ पे इधर एक एनल अन, फिन भी होती है तो कौन सी फिश है इनमें कौन सी दो फिन है इनमें से क्योंकि फिशे में आपकी दो फिन है जो पेयर कंडीशन में होती है ठीक है यानी कि दो दो नंबर में प्रेजेंट है जैसे अगर मैं डोर्सल फिन की बात कर दूं तो डोर्सल फिन सिर्फ आपकी इस तरीके से ऊपर ही प्रेजेंट होगी नीचे की तरफ कहीं और प्रेजेंट नहीं होगी तो सिंगल है कॉडल फिन की बात करूं तो भाई फिश में टेल तो एक ही है दो टेल थोड़ी ना होती है तो ये भी क्या है आपकी सिंगल फिन है ठीक है तो कॉडल नहीं होगा आपका डोर्सल भी नहीं होगा आपका ठीक है डोरसल भी नहीं होगा आपका बता क्या पैक्टोल एंड पेल्विक एनल एंड पेल्विक रिकनफर्म योर आंसर इट शुड बी कैटाड्रोमस कैटाड्रोमस कैसे हो जाएगा भाई क्वेश्चन क्या पूछा था फ्रेश वाटर का पूछा है कह रहा है कि फ्रेश वाटर में है फ्रेश वाटर में है ठीक है और वहां से जा रही है वो किस में ओशियन में जा रही है ठीक है कैटाडोमस ही तो बोला मैंने तो आंसर तो मैंने कैटाड्रोमस ही बोला था एनाड्रोमस थोड़ी बोला था एनाड्रोमस में मैंने आपको क्या बोला अच्छा अपोजिट बोल दिया था क्या देखो चेक कर लेना अगर आप बाई चांस अपोजिट बोल दिया हो ठीक है आपका बाय चांस अपोजिट बोल दिया उसको एक बार चेक कर लेना आप ठीक है यहां पे आपका पूरा क्लियर मेंशन है कि एनाड्रोमस क्या है जो आपका ओशन में रहेगी वो जाएगी क्या फ्रेश वाटर में और कैटाड्रोमस से फ्रेश से ओशन में जाएगी अगर बायचानस ये रिवर्स बोल दिया है तो इसको एक बार वापस से देख लो देख लेना ठीक है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज है इसको मिस नहीं करना है ओके ठीक है आप पेड़ फिन की बात करें तो फिर अविनाश साविक सी बोला है ना सी आने की ठीक है चलो आपका ठीक है सी आपका ठीक है ठीक है पैक्टोरल पेल्विक ना गुड ठीक है क्योंकि क्या हुआ आपकी ये पैक्टोरल फिंस है आपकी ये जो साइड में क्या है पैक्टोरल फिंस है और इसकी नीचे क्या है ये पेल्विक फिंस है ठीक है पेलविक फिंस कई बार है ना जैसे आपका नीचे की तरफ है तो ऐसे दिखती नहीं है कि दूसरी साइड भी होगी पर आप इसको अगर सामने से देखोगे तो पेलविक फिंस भी दिखेंगी और इन फिन का मेन फंक्शन क्या होता है फिस की डेप्थ को मेंटेन करता है ना आप देख रहे हो कि इस तरीके से फिन है तो ये क्या करेगा उसकी डेप्थ कितना नीचे है कितना ऊपर है अप एंड डाउन मूवमेंट में ये आपके जनरली हेल्प करते हैं आपके एंड पेल्विक तो फिस में आपके ये दोनों है क्या होते हैं पेयर्ड कंडीशन में होते हैं ओके ठीक है ओके okay? आदित्य अगर बाई चांस उसको रिवर्स बोला था ठीक है बाकी लोग भी सुन लो बाई अगर अपोजिट बोल देता है कैटोर एनाडोमस का उसको एक बार करेक्ट कर लेना ओके okay? ठीक है आ जाओ अब इसमें आगे क्या है ठीक है बता भाई कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं कहां पर आपका प्रेजेंट है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स कहां है नेशनल ब्यूरो ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स इज लोकेटेड इन जल्दी से बताओ और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड कहां है ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कहां पे होते हैं ये प्रेजेंट आपके आईसीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स कहाँ प्रेजेंट है और आपका नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड कहाँ प्रेजेंट है ठीक है इसके बाद देखो आपको और भी देख के जाना ना आपका सीफा का भी पूछता है ठीक है तो ये सारी चीजें भी पूछता है आपका ओके नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ठीक है चलो मैं आपको बता दे रहा हूं आपका जो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है ये है अविनाश अविक दोनों ने बोला अच्छा अविक ने बोला अविक ने अविक ने क्या बोला बी बोला है ठीक है याद रखना है इसको आपका फिश जेनेटिक रिसोर्स कहां है लखनऊ में है ओके पर ये आपका फिश जेनेटिक रिसोर्स नहीं है ये आपका क्या है नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड ठीक है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और ये भी याद रखना ये आपका हैदराबाद में और अगर फिश जेनेटिक रिसोर्स की बात करी जा रही है तो वो कहाँ है आपका वो है आपका लखनऊ में तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये थोड़ा सा याद करने वाला है डायरेक्ट पूछता है कि आपको देखो जब हम लोग फिश के लिए पॉन्ड प्रिपेयर करते हैं तो हमको थोड़ा सा एक सुइटेबल वाट पीएच भी चाहिए वहां पे ठीक है सुइटेबल पीएच भी चाहिए तो पीएच को आप इंक्रीज कराना चाहते हो क्योंकि एसिडिक कंडीशन में किल हो जाएगी तो आपको लाइम एड करना है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपको पीएच जो इतने से इतना इंक्रीज करना है तो कितना लाइम देना पड़ेगा के पर हेक्टेयर में कितना लाइम डालना पड़ेगा ठीक है डायरेक्ट पूछता है आपका ये ठीक है फोर पॉइंट फाइव से स्टार्ट करते हुए अपन चलते हैं और ये टेबल आपको जो नेक्स्ट स्लाइड में टेबल है ये तो आपको याद करना है है ना इतना कुछ टप भी नहीं है चार ही तो है आपको याद करना है ठीक है आपको याद करना है ठीक है हैदराबाद में कोचिंग केरला में भी है आपका फिशरीज का कौन सा वाला एग्जैक्ट है मुझे भी याद नहीं है बट है आपका कोचिंग केरला में भी आपका फिशरीज का एक है ठीक है और भुवनेश्वर में कौन सा है ओडिशा भुवनेश्वर वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना भुवनेश्वर और वो वाला इंस्टीट्यूट भी इंपॉर्टेंट है बताओ ठीक है यहां पे थाउजेंड बोला है प्रवीण ने ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भले ये याद करने वाला टेबल है आपका सिंपल पर ये क्वेश्चन बनता है कि कितना लाइमिंग डालना पड़ेगा आपको पीएच इंक्रीज करने के लिए ठीक है किसने बोला है प्रवीण ने बोला है ठीक है तो यहां से आपका कितना पूछा हुआ है हमने फाइव से सिक्स तो आपको पूरा याद रखना और एक और चीज भी ध्यान देना कि देखो जैसे जैसे हम पीएच जैसे बहुत कम है तो लाइमिंग हमें बहुत ज्यादा डालना पड़ रहा है जैसे अगर हमें फोर पॉइंट फाइव से फाइव है ना यहाँ पे इसी पॉइंट फाइव इंक्रीज कर रहे हैं पर लाइम कितना डालना पड़ रहा है टू थाउजेंड के जी पर हेक्टेयर अगर आपका फाइव पॉइंट वन से सिक्स पॉइंट फाइव जा रहा है तो आपका कितना हो गया थाउजेंड के जी पर हेक्टेयर उसके बाद देखो आपका लगभग वन वन पीएच पूरा इंक्रीज कर रहे हैं पर लाइमिंग का रिक्वायरमेंट क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है फिर इतना लाइमिंग आपका नहीं लग रहा है ठीक है तो सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है सारी वैल्यूज क्या करनी है आपको याद रखनी है क्योंकि उनके लिए सूटेबल जो पीएच है वो न्यूट्रल के अराउंड ही आपका चला जाता है ठीक है तो ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी है कि आपका इतने से इतना पीएच इंक्रीज होगा तो आपको लाइमिंग कितना देना पड़ेगा वेरी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो इसका आंसर बिल्कुल सही थाउजेंड के पर हेक्टेयर बताओ फिश की फिजियोलॉजी से एक क्वेश्चन फिश की फिजियोलॉजी सबसे पहले हमने क्या बात करी फिश में क्रोमोजोम नंबर्स कितने होते हैं कोची में है ठीक है क्रॉस से करो फिश में आ, क्या काम है कि फिश की फिजियोलॉजी में पहली चीज को क्रोमोज़ोम नंबर ठीक है फोर्टी होते हैं ह्यूमन बींग्स में कितने हैं फोर्टी और फिश में कितने लगभग फोर्टी के अराउंड है और हाइब्रिड फिशेज़ में भी हमने कहा कितने सेवेंटी फाइव 76 के अराउंड है ठीक अब देखो क्या होता है फिस्कियम फिजियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं ना तो अगर हम फिस में एलिमेंट्री केनाल की बात करें ऑलरेडी फिस बनी है एलिमेंट्री केनाल मतलब उसके माउथ से लेके उसका पूरा जो भी अंदर की तरफ पूरी जो कैनाल चले गई के, एलिमेंट्री केनाल है तो इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट को हम कुछ बोलते हैं ठीक है एलिमेंट्री केनाल को और जो उसके बाद वाला पार्ट है उसको कुछ और बोलते हैं ठीक है स्टार्टिंग वाले पार्ट में आपका क्या क्या आ गया जो स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है इसका माउथ आ गया इसकी बकल कैविटी आ गई और क्या आ गया फेरिंग है ना माउथ बकल कैविटी एंड फेरिंग्स आ गया ठीक है उसका एक पर्टिकुलर टर्म है और उसके बाद ईसो हो गया स्टमक इंटेस्टाइन हो गए फिर डिफरेंट डिफरेंट जो लीवर वगैरह है ये सारी चीजें हो गई उसके बाद वाले में आ गया उसका भी एक स्पेसिफिक टर्म है ठीक है तो ये भी ध्यान में रखना है एलिमेंट्री कैनाल दो चीजों में डिवाइड है एक हो गया आपका क्या कॉप ड्रम ठीक है क्या हो गया कॉप ड्रम ये क्या हो गया आपका फर्स्ट वाला ठीक है अविक और अविनाश में ठीक है आपको जो माउथ बकल कैविटियन फेरिंग से क्या हो गया आपका कॉपड्रम और इसके बाद जो ईसोफेगस से जो पार्ट स्टार्ट हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं अपन उसको बोलते हैं रंप ड्रम ठीक है स्पेलिंग एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप ठीक है पर इसको बोलते हैं ओके ठीक है ईसो फेगस हो गया स्टमक आएगा इंटेस्टाइन आएगा लिवर वगैरह आएगा ठीक है तो ये सारी चीजें आपकी क्या आ गई रंप ड्रम में आ गई ठीक है दोनों एलिमेंट के नाल की चीजें स्टार्टिंग वाला पार्ट कॉपड्रम उसके बाद वाला क्या आ जाएगा रंप ड्रम आ जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ बताओ तो तो ये भी इंपॉर्टेंट है है ना पूछ रहा है अगर मान लो कि आपकी कोई हर्बीवोर फिश है है ना आपकी कोई क्या है हर्बीवोर फिश है तो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक ज्यादा लंबा होगा या फिर कार्निवोर फिश का डाइजेस्टिव ट्रैक ज्यादा लंबा होगा यहां से क्वेश्चन भी आता है और यहां से रेशियो भी पूछता है ऐसे पूछता है आपका किसका रिलेटिव गट लेंथ है ना रिलेटिव गट लेंथ जो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका फिश की बॉडी के साथ क्या रेशियो है यह भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और पूछता है यहां से भी ठीक है इसमें देखो तो क्या कह रहा है इसमें कह रहा है कि अगर आपकी फिश क्या है हरबी है हरबी वोर है तो कह रहा है उसका डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होगा लॉन्ग होगा ठीक है डाइजेस्टिव ट्रैक लॉन्ग होगा और अगर आपकी करनी फिश है तो कह रहा है कि उसका डाइजेस्टिव ट्रैक उस, उसका भी लॉन्ग हो सकता है या शॉर्ट हो सकता है इनमें से किस में किस फिश का डाइजेस्टिव ट्रैक लॉन्ग है और किस का शॉर्ट है देखो हरबी वर्स में याद रखना आपका डाइजेस्टिव ट्रैक जनरली क्या होता है लॉन्ग होता है ना आ, ये फिश तो क्या एनिमल्स में भी सेम चीज है अगर आपने डायनासोर्स वगैरह भी देखे होंगे तो जो हर्बी वॉर्ड थे हरबी वर्स वाले तो होते हैं वो इतने बड़े बड़े जो बनाए दिए होते हैं उन्होंने ठीक है यह वाले आपके हर्बी बॉर्स होते हैं और जो करनी वॉर्स होते हैं वो साइज में क्या होते हैं छोटे होते हैं ठीक है तो आप नॉर्मली जो आपके हर्बी वॉर्स हैं उनका डाइजेस्टिव ट्रेक क्या होता है लंबा होता है ठीक है उनका डाइजेस्टिव ट्रैक लॉन्गर होता है और कर्नी वॉर्ड्स का क्या होता है छोटा होता है तो उनकी रिलेटिव गट लेंथ भी हर्बी की ज्यादा होती है ठीक है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये जैसे बना हुआ है हरबी वॉर है ठीक है तो ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक यहां पे जा रहा है और आपके करनी वॉर्ड्स में क्या है आपका बहुत सॉल्ट है यहां पे इनकी इंटेस्टाइन क्या है बहुत सॉल्ट है आपका ठीक है आपका हरबी वॉर्ड में वैसे भी आपको डाइजेस्ट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी लगता है ओके तो ये चीज ध्यान में रखनी है अब देखो ये जो इसके अंदर पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमने इसको अगर बाहर निकाला हमने इसको अगर बाहर निकाल दिया और इसको पूरा पूरा एक्सपेंड कर दिया और इधर फिर इसकी बॉडी की लेंथ भी ले ली ठीक है इसको डिवाइड कर दिया किससे इसकी बॉडी की लेंथ ये मान लो फिर इसकी बॉडी की लेंथ है तो इसी चीज़ को बोला क्या रिलेटिव गट लेंथ अगर डाइजेस्टिव ट्रैक लंबा है तो उसका रिलेटिव गट लेंथ भी क्या होगा ज्यादा होगा तो ये टेबल है उसका आपको ठीक है तो याद रखना कि आपका हरबी वॉल्स का क्या होगा रिलेटिव गट लेंथ ज्यादा होगा क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक क्या उसका लंबा है कितना होगा ये भी ध्यान में रखना है ठीक है एट से लेकर फिफ्टीन टाइम्स तक उसकी बॉडी लेंथ के कंपेरिजन में ये क्या हो गया उसकी रिलेटिव गट लेंथ ओके ये एक और कॉन्सेप्ट था यहां पे ठीक है दो क्वेश्चन और होंगे मोलस्क में बताओ भाई हमने जो नॉर्मल टीरोस की बात की हमने कहा वो क्या होती है आपकी अमोनोटेलिक होती है अमोनोटेलिक तो चलो ठीक है फिर हमने बात की क्रस्टेशंस की हमने क्रस्टेशंस में कहा इनको हम बोलते हैं इंसेक्ट ऑफ ओशियंस और इसमें जो हमने एक्ट्री ऑर्गन की बात करी हमने क्या कहा इसमें होते हैं एंटीनेरिक ठीक है इसमें एंटीनरी ग्लैंड होते हैं मैग्जिलरी ग्लैंड होते हैं और तीसरा हमने बोला ग्रीन ग्लैंड तीन हमने बोले किसके लिए आपके लिए क्रस्टेशन के लिए ठीक है तीनों लगभग सिमिलर सी चीजें डिपेंड करता है कि जो उसका एक्सक्रीटरी का डक्ट है वो कहां पे ओपन हो रहा है तो एंटीना के पास हो रहा है एंटीनरी ग्लैंड मैगजिला के पास हो रहा है मैगजीनरी ग्लैंड ठीक है ग्रीन ग्लैंड के पास हो रहा है तो ग्रीन ग्लैंड तो ये था वहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके मोलस्का की बात करें ठीक है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे क्या होगा बी बोला है अविनाश ने माल्फी जेंटिब्यूल्स मालफीजेंटिब्यूल्स नहीं होगा मालफीजेंटिब्यूल्स होता है इंसेक्ट्स में है ना मालफीजेंटिब्यूल्स होता है इंसेक्ट मैगजिलरी ग्लैंड हमने किसमें बात करी मैग्जिलरी ग्लैंड हमने बात करी किसमें क्रस्टेशियंस क्रस्टेशंस मैगजरी एंड ग्रीन ग्लैंड ये दोनों हो गए आपके किसमें क्रस्टेशियंस मार्फिजन ट्यूबुल्स आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं किसमें इंसेक्ट्स और अगर हम बात करते हैं मेटानेफ्रीडिया या फिर ये होता है आपका किसमें मोलस्का में ठीक है और एक और नाम है इसका ऑर्गन ऑफ है ऑर्गन ऑफ बोजेस देखो हमें इतना डीप में भी नहीं जाना कि एग्जैक्टली ऑर्गन ऑफ बोजेशन क्या है कैसे बना क्या चीज डिफरेंट है इतना कुछ डीप में भले नहीं जाना बट एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपका सिंपल पूछ ले कि मेटानेफ्रीडिया आपका किस में फाउंड होता है मोलस्का में फाउंड होता है फिर मोलस्का का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है इट इज मेटा या। क्या बारिश हो रही है क्या अः तो बारिश हो रही है तो यहाँ थोड़ी हो रही है रूम के अंदर थोड़ी ना बारिश हो रही है भाई ठीक है भाई नेक्स्ट बताओ इंडियन मेजर कार्प आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन भी आपके आते हैं मेजर कार्प से पिछले साल जो क्वेश्चन आया आपके मेजर का्प से आई थिंक दो क्वेश्चन आए थे मेजर नहीं मतलब कार्प से आए थे आपका एक तो पूछा हुआ था ग्रीन सॉरी ग्रास कार्प का साइंटिफिक नेम पूछा हुआ था ना कि आपका ग्रास कार्प का साइंटिफिक नेम क्या होता है तो ये तो मुझे एटलीस्ट कमेंट कर दो ग्रास कार्प का साइंटिफिक नेम क्या होता है इंडियन मेजर कास्ट के बारे में क्या कह रहा है कि फ्रेश वाटर फिशेज क्या इंडियन मेजर कार्प फ्रेश वाटर फिशेज है हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं फ्रेश वाटर फिशेस कौन कौन सी और मेरीन वाटर फिशेस कौन कौन सी है दूसरा कह रहा है कि दे डू नॉट ब्रीड इन स्पॉन्टेनियसली इन नेचुरल वाटर्स लाइक रिवर और बंद टाइप टैंक्स मतलब कह रहे कि अगर रिवर है या फिर फ्लोइंग वाटर है तो वहां पे ब्रीड नहीं करती आपका कन्फाइंड वाटर है पोन्ट्स वगैरह है वो वहां पे ब्रीडिंग करेगी उसके अलावा कह रहा है कि आपकी इंडियन मेजर कार्ड्स में रोहू आ गई कटला आ गई और मृगल आ गई ये तीनों कह रहा है कि आपकी आती है किसमें इंडियन मेजर कार्प में और चौथा कह रहा है कि ऑल ऑफ द चारों की चारों क्या है गलत है ठीक है तो ये क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो सिंपल क्वेश्चन है है ना सिंपल क्वेश्चन है इंडियन मेजर कप के अकॉर्डिंग ठीक है अविनाश ने सही बोला सी आइडिला है ना आई एन आई डी ई डबल ए ठीक है सी आइडिला ठीक है गुड है ना ग्रास कप का ये नाम है और पिछले साल ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आईयूपीएस एएफओ में इंडियन मेजर कार्प सबसे पहली चीज आपकी तीन है कौन कौन सी रोहू कटला एंड मृगल इंडियन मेजर कार्प्स क्यों क्योंकि देखो आपका कार्प एक बड़ा ग्रुप है जिसमें मेजर कार्ड भी आती है जिसमें माइनर कार्ड भी आती है जिसमें एक्जोटिक कार्स भी आती है मीडियम कार्प भी आती है बहुत बड़ा ग्रुप है पर ये तीनों जो है आपकी जो इंडिया में सबसे ज्यादा कल्टिवेटेड की जा रही है वो आपकी ये तीन फीसेज है ठीक है इंडियन मेजर कार्प कौन कौन सी रोहू कटला एंड मृगल सबसे पहली चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टीजा फ्रेश वाटर फिश आपकी इंडियन मेजर से मोस्ट कल्टीवेटेड फ्रेश वाटर फिश इन इंडिया दूसरी चीज यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके साथ कि ये क्या है ये कन्फाइंड वाटर में ब्रीड नहीं करती है ये ब्रीड करती है तो कहां ब्रीड करती है रिवर्स में ब्रीड करती है या फिर बंस में ब्रीड करती है ठीक है कन्फाइंड वाटर में मेजर कास्ट ब्रीड नहीं करते अगर वाटर रुका है वहां पे ब्रीड नहीं करेगी इट विल ब्रीड दे ब्रीड स्पॉन्टेनियसली नेचुरल वाटर लाइक रिवर्स रिवर्स एंड बंद टाइप तो ये आपका गलत है क्योंकि वो ब्रीड रिवर में ही करती है ठीक है रिवर में ही वो ब्रीड करती है डी नहीं है सारे गलत नहीं है पहला वाला बिल्कुल सही है टीजा फ्रेश वाटर फिश दूसरा आपका गलत है क्योंकि वो आपकी रिवर में क्या करती है ब्रीड करती है स्टेग्नेंट वाटर में ब्रीड नहीं करेगी ठीक है बंद से भी क्वेश्चन आता है कि वेट बंस क्या होते हैं और ड्राई बंस क्या होते हैं ना कुछ नहीं है ये वेट बंस वगैरह बस ऐसा है कि मान लो कि अगल बगल का एरिया थोड़ा सा ऊपर की तरफ है थोड़ा सा एलिवेशन पे है और यहां पे क्या हो रहा है जब रेनफॉल हो रही है तो पानी भर जा रहा है नीचे की तरफ थोड़ा सा पानी भर जा रहा है और यहां पे एक फार्मर ने वेस्ट बंगाल की फार्मर ने क्या नोटिस किया कि जब वाटर यहां पे फिल हो रहा है ना होने के लिए तो स्टेग्नेंट हो गया पर जब वाटर फिल हो रहा है तो इसका जो सेलो एरिया है जहां से वाटर फिल हो रहा है जो सेलो एरिया है वहां पे थोड़ी सी रिवर वाली कंडीशन जनरेट हो गई और यहाँ पे कार्स क्या कर रहे हैं ब्रीडिंग कर रही हैं तो ये आपका क्या है इसी को बोलते हैं हम लोग बंस बोलते हैं और ये जो आपका नेचुरल है क्या है क्या वेट से पूरे साल पानी से भरा रहता है और जो आपका मेन मेड है वो क्या होता है ड्राई वं से ठीक है वो मेन मेड होता है आपका तो ये ध्यान रखना है कि इंडियन मेजर कार्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी रिवर्स या फ्लोइंग वाटर में ही ब्रीडिंग करेगी कंफाइन वाटर में ब्रीड नहीं करेगी ये बिल्कुल सही है रोहू कटला एंड मृगल ठीक है ये तीनों आपकी क्या इंडियन मेजर काफ्सी तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है सीज का आंसर है फिश की लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ है है ना फिश की लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने ठीक पहली चीज की फिश की लाइफ साइकिल में स्टेजेस कितनी होती है फिश की लाइफ साइकिल में स्टेजेस कितनी होती हैं ठीक है क्या क्या होती हैं देखो होता है क्या है जैसे फिश है फिश अगर जब एग देती है एग से क्या बनता है हैच होता है एग से बनता है लार्वा एक से बनता है लार्वा और इसमें क्या होता है योक योकशेक इस लार्वे में क्या लगा होता है योक लगा होता है क्योंकि इनिशियल जब लार्वा बनता है ना एक से तो लार्वे के पास माउस नहीं होता वो फीड नहीं कर सकता है तो उस टाइम पे वो न्यूट्रिशन ड्राइव करता है किससे योक से, से वो न्यूट्रिशन ड्राइव करता है ठीक है फिर लार्वा से आगे उसकी अलग अलग स्टेजेस बनती रहेगी और फिर आपकी फाइनली क्या हो जाएगी मेच्योर हो जाएगी ठीक है तो जो एक हैच कराना और जो लार्वा बना इसको हम बोलते हैं क्या इसको हम बोलते हैं हैचलिंग

सबसे पहली चीज फिश की लाइफ साइकिल की स्टेजेस की अगर हम जनरली बात करें तो दे आर सिक्स स्टेजेस ठीक है एग को काउंट नहीं कर रहे हैं हम लोग हैचलिंग से डायरेक्ट काउंट कर रहे हैं एग को इसकी एज स्टेज काउंट नहीं कर रहे हैं हैचलिंग से काउंट कर रहे हैं ठीक है तो हैचलिंग है आपका ठीक है इसके बाद आपका स्पॉन भी बनता है स्पॉन बनता है फ्राई बनता है फिंगर बनता है फिर आपका जुवेनाइल अच्छा इधर है हैचलिंग है स्पॉन है फ्राई है फिंगर है जुवेनाइल है और फाइनली क्या बन जाएगा अडल्ट बन जाएगा ठीक है तो यह भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और आपकी पूरी की पूरी फिश जो है वो लगभग एक साल में मैच्योर हो जाती है इंडियन मेजर कार्प की बात हो रही है फिश आपकी एक साल में मैच्योर हो जाती है और एक साल में वो लगभग 900 ग्राम से लेके 1 केजी तक उसका वेट हो जाता है ठीक है तो हैचलिंग भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये जो दिख रहा है ना हैचलिंग ये जो लार्वी है इसमें ये यॉक्शेक लगा है जिससे क्या करेगा नहीं न्यूट्रिशन को ड्राइव करेगा ठीक है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये भी तो ये चीज लिखा हुआ है सिक्स स्टेजेस इसकी लाइफ साइकिल में ठीक है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है अब आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना जब तक तो कोई स्पोन बना दो तीन दिन में पूरा उसका क्या खत्म हो चुका है उसका योग योक्स ओवर हो चुका है फ्राई स्टेजेस में वो फिश जैसा आपको दिखने लग जाएगा थोड़ा बड़ा हो गया है ठीक है फिंगर लिंग में वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं ना हमें इनका पॉन्ट चेंज करना पड़ता है क्योंकि अब बड़े हो गए इनको ज़्यादा बड़ा एरिया भी चाहिए होता है ठीक है फिर फाइनली जिवेनाइल हो जाएगा और जीवनाइल के बाद ये एडल्ट हो जाएगा एडल्ट मतलब अब ये मैच्योर हो चुका है रिप्रोडक्शन करने के लिए बताओ ऐसी चीज़ को मैं कह रहा था कि आपके ये वेस्ट बंगाल के फार्मर ने नोटिस किया और जब उसने एक बार ये चीज नोटिस करी क्योंकि भाई इंडियन मेजर का आप रिवर में ब्रीड कर रही है अब क्या बार बार रिवर में जाके आप उसके एक्स को पकड़ोगे उसके लार्वे को पकड़ोगे फिर रियर करोगे तो बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि वहां पे आप उसके पहले तो एक्स और लार्वे को पकड़ो साथ में और फिसेज के भी एक्स लार्वे आ जाएंगे ऊपर से फिर आप उसको लेके आ रहे हो आधे से ज्यादा तो वहीं पर किल हो जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वेस्ट बंगाल में जब फार्मर को दिखी फिर हर कोई उसको फॉलो करने लगा और ये वाइडली फॉलो होने लगा उसके बाद ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका क्या है पेरिनियल है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे पेरिनियल ठीक है पेरिनियल क्या हुआ कि आपका जब समर सीजन है ड्राई कंडीशन है तो उस टाइम भी इसमें कुछ डीप पोर्सन होता है जो वाटर से फिल होता है थोड़ा बहुत ड्राई कर जाएगा पर डीप पोर्शन होगा जो पूरे साल क्या होगा वाटर से फिल रहेगा ठीक है तो ये आपका वही है कि आपका क्या हो गया अगल बगल का एरिया थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और आपका जब रेनफॉल हो रही है तो रिवर आप, आपका आपका वाटर यहाँ पे भर जा रहा है और ये जो आपकी सेलो एरिया जो साइड साइड का एरिया सेलो एरिया है यहां पे थोड़ी सी आपकी फ्लोइंग वाटर की कंडीशन जनरेट हो गई है और इस टाइम पे क्या होती है यहां पे आपकी इंडियन मेजर कार्प क्या होती है ब्रीडिंग कर लेते हैं ठीक है तो इसको हम बोलते हैं क्या वेट बंस ठीक है ये आपका क्या है वेट बंस इट इज पेरिनियल इन नेचर इट इज पेरिनियल इन नेचर एक वर्ड और याद रखना ड्राईवंस के बारे में इट इज सीजनल इन नेचर है ना सीजनल होता है कि आपकी बारिश हुई तो ठीक है भर गया और ड्राई कंडीशन में क्या है पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है ठीक है जब आपका मॉनसून होगा तो आप कार्ब को लेके आते हो इंजेक्शन दिया हमने वही हाइपोफाइजेशन के लिए ना हार्मोन का इंजेक्शन दिया और उसको वहां पर क्या कर दिया छोड़ दिया ताकि क्या हो जाए उसमें ब्रीडिंग हो जाए ठीक है तो ये चीजें हैं ठीक है भाई बताओ शीफा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इसने एक ड्रग दिया है इंपॉर्टेंट है ये भी ये ड्रग दिया है सीफेस है ना ये किसके ट्रीटमेंट ले दिया भाई सीफेस जो है किसके ट्रीटमेंट ले दिया फिश की डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है फिश की डिसीज से बनता ही बनता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कह रहे हैं कि शीफा ने सीफेक्स डेवलप किया है तो फिश की कौन सी डिसीज के लिए डेवलप किया है बैक्टीरियल गिल डिसीज के लिए ड्रॉपसी के लिए एपिजोटिक अल्सर सिंड्रोम के लिए या फिश लाइज के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये सारी डिसीजेस लगभग ठीक है ड्रॉपसी में हमने क्या बोला ड्रॉपसी में क्या हो रहा है ड्रॉपसी में उसकी किडनी खराब हो रही है तो फिश के अंदर फ्लूइड ज्यादा हो रहा है फिश आपकी क्या कर रही है स्वेल कर जा रही है अल्सरेटिव सिंड्रोम सिंड्रोम में फिश में क्या होता है ये आपको फंगल जनरली फंगल की वजह से देखने को मिलता है ना इसमें क्या होता है आपका फिश में इस तरीके से अल्सर से बन जाते हैं बाहर की तरफ मतलब खराब होने लग जाती है फिश और तीसरा आपका फिश लाइस फिश लाइस को हमने क्या बोला था एक्टोपेरासाइट लाइस ऑब्वियसली एक्टोपेरासाइट ही होगा जिसमें आपका क्या आ गया आर्जिलस स्पीसी इंपॉर्टेंट था ये जो फिश की फिन है इसमें आपको बाहर की तरफ इस तरीके से लाइस लगे हुए मिलेंगे ठीक है अब पता नहीं चल रहा आपका ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है कि इस क्वेश्चन क्वेश्चन का का आंसर है, जो question का भी आंसर है सही है 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 जो भी सही ठीक एपिजोटिक अल्सर सिंड्रोम इस डिसीज को ट्रीट करने के लिए शीफा ने क्या डेवलप किया है एक ड्रग यूज किया है इस डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से कुछ क्वेश्चन और बचे है ना कुछ क्वेश्चन और बचे हैं देखो इंडियन मेजर काफ्स इंडियन मेजर काफ्स एंड इंडियन मेजर काफ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर फिश जो इंडिया में ग्रो करी जाती है इट इज इंडियन मेजर काफ्स कौन कौन सी तीन है रोहू कटला रोहू एंड मृगल ठीक बताओ कौन सी फैमिली है इसकी इंडियन मेजर काफ्स की फैमिली इनमें से कौन सी है देखो इंडियन मेजर काफ्स की जिनमें से फैमिली है ना एक बड़ा ग्रुप है गोल्ड फिश से लेके बहुत सारी फिशे सब उसके अंदर ही आ जाते हैं ठीक है तो इंडियन मेजर काफ्स की आप लोग फैमिलीज भी याद रखनी है ठीक है फैमिलीज भी याद रखूगी कौन सी है नीडी है सिप्री ठीक ये याद रखना है इसकी फैमिली और क्वेश्चन भी है ठीक है है हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है क्या कह रहा है देखो इंडियन मेजर काफ कहीं चल रहा है नेक्स्ट स्लाइड में टेबल डाला हुआ है जिसमें इनके साइंटिफिक नेम और फीडिंग जोन लिखा हुआ है फीडिंग हैबिट क्या आपकी कौन सी ओमनी वो हरबी वॉर ओमनी वॉर ठीक है क्या है और फीडिंग जोन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सरफेस फीडर है कौन सी आपकी कॉलम फीडर है और कौन सी आपकी बॉटम फीडर है जो नीचे की तरफ फीड करेंगे तो इसका आंसर जल्दी से बताओ है ना क्या पूछा है कि कौन सी फीस है जो सरफेस कॉलम एंड मार्जिनल सारी की सारी जगह पे करेगी डी इसका आंसर तो नहीं है है ना रोहू नहीं है इसका आंसर ठीक है इसका आंसर रोहू नहीं है आपकी रोहू नहीं है जल्दी से इसका आंसर बताओ ठीक अभी करणदीप ऑप्शन है तो याद रखना यह भी इंपॉर्टेंट है ग्रास कार्प जो है आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिश है ग्राफ कार्प से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है आगे एक और क्वेश्चन है ग्राफ कार्प से रिलेटेड आपकी ग्रास कार्प हो गई और आपकी सिल्वर कार्प हो गई ये दोनों क्या करती है दोनों जनरली वीड पे फीड करते ठीक है ये लोग आपकी क्या है सैनिटरी फिशेज हैं वीट पे फीड करती हैं तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है पिछले साल का क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले साल का ठीक है तो ये तो आपके देखो इंडियन मेजर कार्प का तो नाम तो याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है बस आपको यही पता होना चाहिए कटला रोहू एन मृगल बाकी तो इनके आपके देख सकते हो कि नाम में जब डायरेक्ट डायरेक्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है पर एक्जोटिक कार्प है ना एक्जोटिक कार्प के इंपॉर्टेंट है आपके सिल्वर कार्प ग्रास एंड कॉमन ठीक आपकी सारी कार्ड जनरली क्या करती है आपकी फ्लोइंग फ्लो कंडीशन में ब्रीड करती है सिल्वर कार्प है कि कभी कभी आपकी थोड़ा सा पॉइंट्स वगैरह में ब्रीड कर जाती है तो फीडिंग हैबिट भी याद रखने कौन कहां पे फीड कर रहा है उसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या फीडिंग जोन अगर आप इसको एक सीक्वेंस में याद कर रहे हो तो फिर और ज्यादा आसान हो जाता है क्यों क्योंकि आपकी देखो आपकी जैसे कटला रहू मृगल तो सबसे ऊपर कौन फिट कर रहा है कटला उसके बाद कौन से आ गई कॉलम फिट है आपकी आ गई रोहू और सबसे नीचे कौन फिट कर रहा है आपकी मृगल हो गई और एक और चीज ध्यान रखना जो नीचे की तरफ फिट कर रहे हैं उनको जनरली हमने क्या बोला डेट्री वर्स बोला देखो हर्बी और ओमनिवर्स ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है है ना हरबी वो जो आपके प्लांट में फिट करेगी ऑमनीवर्स जो दोनों में आपकी छोटी छोटी फिशेज पे भी फिट कर लेगी डेट्री वर्स भी इंपॉर्टेंट है डेट्रीवॉर्स मतलब जो आपका क्या करेगी ऑर्गेनिक मैटर डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर पे जो फीड करती है वो क्या हो गई आपकी डेट्री हो गई और आपका जो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादातर पे देखो प्लांट्स वगैरह सब कुछ नीचे होंगे फिश कोई मरेगी तो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ नीचे ही आएगा तो वो फिश क्या होगी आपकी बॉटम फीडर ही होगी जैसे जि, जि, आपका नीचे भी लिखा है कॉमन कार्प में है ना बॉटम फीडर है तो क्या है ये डेट्रीट्रस है वर्स है ठीक तो ये हो गया फीडिंग जोन इंपॉर्टेंट है यहाँ भी सेम चीज आपको सीक्वेंस में अगर आप याद करते हो सिल्वर का कार्प, ग्रास एंड कॉमन काप इन तीनों के नाम याद रखना सिल्वर कार्प का एच मॉलिट्रिक्स हो गया आपका ग्रास कार्प का क्या हो गया सी आइडियल हो गया आपका और कॉमन कार्प क्या हो गया आपकी सिप्रीनस कार्पियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेम चीजें यहाँ पे भी सिल्वर कार्प आपकी सरफेस में फिट करती है ग्रास कार्प आपकी हर जगह फिट करती है सरफेस में भी कॉलम में भी मार्जिनल में भी और कॉमन कार्प आपकी क्या है कॉमन कार्प आपकी बॉटम फिटर है नीचे की तरफ फिट करेगी तो ये स्लाइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ओके okay? मेजर कार्प का एक आध क्वेश्चन अभी और है ठीक है इंडियन मेजर कार्प से एक आध क्वेश्चन अभी और है ठीक है हाँ ये भी मेजर कार्प का आपका क्वेश्चन है बता भाई कौन सी इंडियन मेजर काप है जिसके थोड़े से लिप क्या होते हैं बाकी से थोड़ा सा अलग दिखते हैं तो इसलिए उसको फ्रिंज लिप्ड माउथ ठीक है फ्रिंज माउथ आपकी रोहू कटला मृगल हो गई कैटफिश भी है तिलापिया वगैरह एग्जाम्पल दिए हुए हैं ठीक है आपकी इंडियन मेजर काफ में से यहाँ पे स्पेशली पूछ पूछ रहा हूँ आपका कौन कौन सी हो गई आपकी होगी कटला रोहू एंड मृगल है ना इस सीक्वेंस में याद करेंगे अपन कटला रोहू एंड मृगल आपकी ठीक तो इनमें से अगर हम बात करें फ्रिंज लिप्ड माउथ है ना क्योंकि देखो ये तो याद करने वाली बात है कि उसका माउथ ऐसा है तो है है ना इसमें तो कोई क्या रीजन ढूंढना तो इसमें आपका आंसर क्या है रोहू आपकी ठीक है आपकी जो रोहू होती है वो फ्रिंज लिप्ड माउथ होती है ठीक है रोहू की पिक्चर डाल थोड़ा और समझ में आ जाता है वहां पे ओके ठीक फिर इंडियन मेजर का आपसे एक और क्वेश्चन है देखो क्या करते हैं जब हम लोग पॉन्ड प्रिपरेशन करते हैं है ना मतलब हम फीस के लिए क्या करें पॉन्ड प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है हैं उसका हमें पीएच मेंटेन मैं, करना है हमें यह देखना है प्रीडेटरी फिश तो नहीं उनको किल करना है हमें वीड्स तक का ध्यान देना है कि एक्टिक वीड्स कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं हो रही जो हमारी फीस को दिक्कत करेंगी तो हर चीज का हमें ध्यान देना है ठीक है तो इसमें ये जो फिश है ना सेनेटरी फिश को इसलिए बोल दिया क्योंकि ये वीड पे फीड करती है ठीक है ये क्या करती है वीड्स पे फीड करती है वीड्स को खाती है तो ये क्या हो गया आपकी सेनेटरी फिश हो गई वीड्स को क्या कर रही है रिमूव कर रही है ठीक है अगर इसका आंसर ए बोला अगर इसी क्वेश्चन का आंसर बोला है अभी तो बिल्कुल सही है ठीक है इसका आंसर ए ही होगा ठीक है ग्रास कार्प जो है आपकी क्या करती है किस पे फीड करती है आपकी वीड्स पे फिश करती है इसको सैनिटरी फिश भी बोला जाता है और ये आपकी क्या करती है एक्वेटिक वीट्स पे फीड करती है ठीक है देखो के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है ना देखो आपका फिशरीज इंपॉर्टेंट है अगर ढंग से फिशरीज पढ़ा जाए तो आई थिंक मैक्सिमम यहाँ पे पांच लेक्चर्स फिशरीज के लगते हैं ना फर्स्ट टाइम लेक्चर हो तो थोड़ा सा थो ज्यादा टाइम लग सकता है बट नॉर्मल आपके फाइव लेक्चर इज सफिशेंट पूरा फिशरीज को अच्छे से पढ़ने के लिए ठीक है पर इंपॉर्टेंट है छोटा भी इतना बड़ा भी नहीं है पर इंपॉर्टेंट जरूर है अच्छा ठीक है चलो यही लास्ट क्वेश्चन था आज का ठीक है ये आपका आज का क्या था लास्ट क्वेश्चन था ठीक है आई ऑफ सेशन समझ आया होगा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी ठीक है आ ये सारे क्वेश्चन फिशरीज के व्यास नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे ओके ठीक है समझ में आया ठीक है हेल्पफुल लगते हैं सेशंस तो एक बार बता देगा ठीक है थैंक यू सो मच हैव अ गुड नाइट आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में